हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाट, वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको छोटे बच्चों के लिए इनर बनाना बताऊंगी कि छोटे बच्चों के लिए इनर कैसे बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता रही हूं, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो बेबी इनर मैंने बनाया, ये 6-7 महीने के बच्चे का साइज है। इसे मैंने 126 फंदे में तैयार किया है, क्योंकि बेबी इनर को हम एक ही बार में फंदे डाल के बनाना शुरू करते हैं। इसे हमें अलग अलग पार्ट बना करके जोड़ना नहीं होता है, एक ही बार फंदे लेने होते हैं। फंदे हमें जो बेबी के हम स्वेटर बनाते हैं या बेबी कार्डिगन बनाते हैं, उससे हमें बेबी इनर में 6-7 फंदे कम रख लेने चाहिए, क्योंकि हमें बेबी इनर की चौड़ाई ज्यादा नहीं चाहिए। ये बच्चे के शरीर से चिपका हुआ होना चाहिए, तभी इसकी गर्माइश ज्यादा आती है। 126 फंदे में इसको हमने एडजस्ट कैसे किया, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, 60 फंदे हो गए हमारे बैक पार्ट के, 30 फंदे हमारे इस पार्ट के और 30 फंदे इस पार्ट के। जो हमने 6 फंदे इसमें एक्स्ट्रा लिए, उसकी हमने बटन पट्टी बनाई। बटन पट्टी देखिए फ्रेंड, 6 फंदे की हमारी इधर बनी है और 6 फंदे की इधर बनी है। तो जो 30 फंदे हमारे इस पार्ट में थे, उसमें से हमने 3 फंदे इस पट्टी में जोड़ कर लिए थे एडजस्ट, और 3 फंदे इस पट्टी में। तो 6 फंदे की इधर हो गई और 6 फंदे की इधर हो गई। अब देखिएगा, जब हम इसको ऐसे बंद करते हैं तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक पट्टी के नीचे हमारी एक पट्टी आ जाती है। तो 6 फंदे जो हमने एक्स्ट्रा डाले थे, वो इस पट्टी के नीचे दब चुके हैं। जो 3 फंदे इधर से लिए थे, जो 3 इधर से लिए थे, वो हमारे बीच में आकर के बैक और फ्रंट इसके लेवल में आ जाएंगे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने लिए हैं 130 फंदे। ये लगभग 8-9 महीने या साल तक के बच्चे का साइज हमारा तैयार हो जाएगा। अब 130 फंदे में हम इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 130 फंदे में से देखिए, 62 यानी 62 फंदे मेरे बैक पार्ट के हैं, और 62 में से 31 फंदे इस पार्ट के और 31 इसके। 3 फंदे बटन पट्टी के हमने इधर के एक्स्ट्रा डाल लिए और 3 फंदे इधर के डाल लिए हैं। तो टोटल इसमें देखिएगा, 34 फंदे एक पार्ट के हो जाएंगे, 62 फंदे एक पार्ट के हो जाएंगे, और फिर 34 फंदे इस पार्ट के हो जाएंगे। जब हम इसे देखिए यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे, एक तो आप इसमें बटन होल किसी भी साइड बना सकते हैं, इस साइड या दूसरी साइड, इससे इसमें कोई डिफरेंट नहीं आना है। जी, जैसे आपको इजी लगे वैसे बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें एक बटन होल बनाया हुआ है। बटन होल इसमें आप छोटे बनाइएगा, क्योंकि हम इनर बना रहे हैं, इनर में हमें छोटे छोटे ही बटन लगाने चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 6 फंदे उल्टे बनाए हुए हैं बटन पट्टी के। फिर हमने देखिए, इसमें ये जो आर्म होल हमारी बनती है, इसकी हमें एक तो हमारा ये डिजाइन सा बन जाएगा जो सुंदर लगेगा, दूसरा हमें इसकी पहचान मिलेगी। तो 34 में से देखिएगा फ्रेंड्स, 6 फंदे की हमारी यहाँ बटन पट्टी निकलाई है। तो बटन पट्टी निकालने के बाद हमारे बच गए 28 फंदे। 28 में से 27 फंदे मैंने इसमें देखे इस तरह से सीधे बनाए हुए हैं। फिर ये देखिए, ये जो 2 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बनाए, एक फंदा इस पार्ट का लिया है और एक मैंने इसका लिया है। तो यहाँ पर देखिए, 27 सीधे बनाने के बाद एक इधर वाले में से उल्टा बना दिया, और ये जो हमारे 62 फंदे थे, एक इसमें से हमने उल्टा बना दिया है। उसके बाद बीच में धागा पीछे करके ये हमारे 60 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, क्योंकि एक इधर कम हो गया, एक इधर कम हमने उल्टा बनाना है जो बीच में बनाएंगे। तो ये 60 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, जब आपके ये 60 फंदे इस तरह से सीधे बन जाएं, आपके अगर ज्यादा हो तो आप उसी हिसाब से इसमें एडजस्ट कीजिएगा, जैसे मैंने इसमें बताया है। तो 60 मैंने ये सीधे बना लिए हैं। फिर धागा अपनी तरफ करके मैं इसमें 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी। तो एक तो हमारा पीछे वाले पल्ले में से हो गया और एक हमारा इस आगे वाले पल्ले में से हो गया। तो 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा पीछे करके 27 फंदे मैं इसमें सीधे बनाऊंगी, और फिर इसमें हमारे 6 फंदे बचेंगे बटन पट्टी के, वो मैं इसमें उल्टे ही बना लूंगी। इस तरह से फ्रेंड, हमारे तीनों पार्ट के फंदे इसमें एडजस्ट हो गए हैं। तो इस तरह से आप फंदे एडजस्ट कीजिएगा। इसकी नेक्स्ट सीधी सिलाई पर मैं आपको इसमें ये डिजाइन बनाना बताऊंगी। आप चाहो तो इसे पूरा प्लेन भी बना सकती हैं, कोई डिजाइन नहीं भी बना सकती हैं। अगर बनाना भी चाहेंगी तो आप कोई और डिजाइन भी डाल सकती हैं। मैंने जो डिजाइन इसमें बनाया है वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो इसमें मैं जो है इसकी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना करके कम्प्लीट कर दूंगी। तो धागा अपनी तरफ करके इस सिलाई को मैं बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी सीधी सिलाई पर आ गए हैं। ये जो डिजाइन मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैंने देखिए ये 1, 2, 3, ये 3 डिब्बियां मैंने सीधी सीधी चलाई हुई हैं। 4 फंदे की हमारी ये एक डिब्बी बनती है। डिब्बी मैं ठीक ऐसे ही बनाऊंगी, लेकिन मैं इसमें अब एक
फिर तीन, फिर एक, इस तरह से मैं इसमें डिब्बी बनाऊंगी। तो ये देखिएगा इसमें हम कैसे बनाएंगे, इसे हम एक तीन पांच तीन एक ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। इसमें जो हमारे ये देखिएगा यहां पर जितने फंदे हैं इसके, इसके हम बीचों बीच इस डिजाइन को बनाएंगे। तो ये छह फंदे मैं इसके पट्टी के बना लूंगी, एक दो तीन चार पांच और ये छह। ये जो देखिए यहाँ पर बटन होल है, बराबर बराबर के गैप छोड़ते हुए आप इसमें, मैंने इसमें तीन बटन लगाए हुए हैं, लगभग इसमें भी मैं तीन ही लगाऊंगी, तो आप अपने हिसाब से इसमें बटन होल छोड़ सकती हैं। उसके बाद धागा पीछे करके मैं इसमें देखिएगा एक डिब्बी बनाऊंगी बीच में। तो जो हमारे ये फंदे हैं मैं यहाँ पर 11 फंदे सीधे बनाऊंगी, एक दो, क्योंकि हमारे ये 27 फंदे हैं सीधे, तो 27 में से चार फंदे पर मेरी डिब्बी बनेगी। तो 12 एक साइड और 11 एक साइड में छोड़ूंगी। इसमें देखिएगा दो चार छह एक सात आठ नौ दस और ये 11। 11 फंदे सीधे बनाने के बाद मैं इसमें ये डिब्बी बनाना शुरू करती हूँ। देखिए इस तरह से हम ये वाला फंदा लेंगे, इस वाले को उतार कर यहाँ कर लेंगे और इसको हम यहाँ ला के इसे सीधा बना देंगे और इसे भी सीधा बना देंगे। देखिए हमने फंदे पलट दिए, अब ये वाला फंदा हमारा यहाँ जाएगा और इधर वाला बीच में आएगा। तो पीछे की साइड से सिलाई डालेंगे और ये देखिएगा इसको हम यहाँ ले लेंगे और इसे इस तरह से सीधा बना देंगे, इसे भी हम सीधा बना देंगे। ये हमने यहाँ पर फंदे पलट लिए हैं। अब अपने ये जो हमारे 12 फंदे बचे सीधे, इनको सीधा बनाएंगे। ये जो दो फंदे हैं हमारे, इन्हें हम उल्टा बनाएंगे। बीच में 60 फंदे सीधे, फिर दो यहाँ उल्टे आएंगे तो उल्टे, ठीक वैसे ही 12 फंदे सीधे बनाने के बाद जो डिब्बी यहाँ बनाई वही हम यहाँ बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ तक ये फंदे अपने बना लिए हैं। यहाँ पर फिर मैं आपको एक बार डिजाइन बनाना बता रही हूँ। ये जो चार फंदे हैं हमारा डिजाइन इन पे बनेगा। तो ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे सिलाई पर लेंगे और देखिए इसको उतार के हम यहाँ बीच में ले आएंगे और इसको हम पीछे की साइड ले जाएंगे और इन दोनों फंदे को जो हमने पलटे हैं इनको सीधा ही बना देंगे। इस तरह से देखिएगा, ये प्लाई वाली ऊन है फ्रेंड्स, कभी कभी पलटते टाइम उलझ भी जाती है तो इसे हमें थोड़ा सा ध्यान से ही बनाना होता है। इसे हम सीधा बनाएंगे और इसे भी सीधा बना लेंगे। अब इसको हम यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा फंदा है ये यहाँ जाना है, तो इस अगले वाले फंदे में हम पीछे की साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे, इसको उतार के अगली वाली साइड से यहाँ ले लेंगे और इसको बीच में ले आएंगे। अब इन्हें भी हम सीधा ही बना देंगे। ये उल्टी सीधी सिलाइयों से ही हमारा बनता है, इसमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता। देखिए चारों फंदे हमारे पलटे गए हैं, अब आगे जो सीधे हैं उन्हें सीधा और जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। देखिएगा फ्रेंड्स, हम सीधी सिलाई पर हैं और यहाँ तक के फंदे हमने अपने उल्टे पट्टी के बना लिए हैं और ये सीधे हमने अपने सीधे बना लिए। अब इस डिब्बी को हमने बंद करना है। बंद करने के लिए देखिए हम पीछे से ऐसे सिलाई डालेंगे बीच वाले फंदे में और इस आगे वाले को उतार के यहाँ बीच में ले आएंगे और बीच वाले को पीछे से लाकर पहले डालेंगे, इसे भी सीधा बना देंगे और इसको भी हम सीधा बना देंगे इस तरह से। अब देखिएगा बीच वाला यहाँ जाएगा, आगे वाला बीच में आएगा, तो अगली साइड से हम इस फंदे में सिलाई डालेंगे, इसको उतार के यहाँ ले लेंगे और इसको यहाँ लाकर इन्हें अब हम सीधा ही बुन देंगे। इस तरह से हमारी ये डिब्बी एक सिलाई में खुल जाएगी और एक में हमारी बंद हो जाएगी। इसमें मैंने ये देखिए लगातार तीन डिब्बियां स्टार्ट की हुई हैं, एक डिब्बी बनने के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, 12 फंदे में लगातार हमारी ये बनी हुई। अगर आपको ऐसे बनानी हो तो आप ऐसे बना लीजिएगा और ऐसे बनानी हो तो ऐसे बना लीजिएगा। ठीक ऐसे अपने फंदे बनाते हुए यहाँ भी हमने ऐसे ही बनाना है और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये देखिएगा फ्रेंड्स, सीधी साइड है जैसे कि मैंने आपको बताया। ये तो मैं तीनों डिब्बियां डिब्बी के ऊपर डिब्बी चलाते हुए बनाई हैं, लेकिन इसमें मैं बनाऊंगी एक डिब्बी, फिर हमारी तीन, फिर एक। तो देखिएगा चार फंदे तो हमारी ये इस डिब्बी के हैं, इधर वाले चार फंदे पर भी इस बार हम डिब्बी बना लेंगे। ठीक ऐसे देखिए इस फंदे को ऐसे लेंगे और इसको हम पलट देंगे, ऐसे इसको बीच में ले आएंगे और इस बीच वाले को हम पीछे ले जाएंगे, इन्हें हम सीधा बना देंगे। बहुत ही आसान ये डिजाइन है, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। अब देखिएगा ये इधर जाएगा और ये हमारा इधर आएगा, ये इसको हमने इस तरह से पलट लेना है। ये देख लीजिएगा ऐसे ऐसे हमने इसको पलट लिया है। अब देखिएगा
ये हमारे वो चार फंदे हैं जिस पे हमने ये पहले डिब्बी बनाई थी। तो देखिए ये बीच वाला फंदा हम इस तरह से लेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इसको हम पलट देंगे और इन दोनों फंदे को सीधा बनाएंगे। ये दोनों फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से ये वाला फंदा हमारा यहाँ चला जाएगा और ये वाला वापस बीच में आ जाएगा। इसको हम पीछे से लेंगे, इसको निकाल कर ऐसे डाल देंगे और इसको बीच में ले आएंगे और इन्हें सीधा बना देंगे। ये देखिएगा यहाँ हमारी दो डिब्बी स्टार्ट हो गई। अब हम यहाँ इन चार फंदे में तीसरी करेंगे। इस देखिए इस फंदे को ऐसे लेंगे और इसको यहाँ पर ले आएंगे, इसको पलट के यहाँ ले लेंगे और इन्हें हम सीधा बना देंगे। अब अगले वाले को भी ऐसे ही करना है, ये फंदा यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ आएगा। तो इसको देखिए पीछे से हम ऐसे लेंगे, इसको पलट कर यहाँ ले आएंगे और इन्हें हम सीधा बना देंगे। इस तरह से देखिएगा फ्रेंड्स, इस डिजाइन की जो है हमारी यहाँ पर ये तीन डिब्बी बन चुकी हैं जो बहुत ही सुंदर लगेंगी। डिब्बियां हमने सेम ही बनाई है, सिर्फ हमने थोड़ा सा इसका तरीका चेंज किया है। अब आगे भी हमने इसमें ऐसे ही बनानी है और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना करके फिर मैं आपको यहाँ बताऊंगी। ये देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम इस डिजाइन को कैसे एडजस्ट करेंगे। ये जो हमारी तीनों डिब्बियां अलग अलग आपको दिख रही हैं, इन्हें हम वापस से बंद करेंगे। तो ये बीच वाला फंदा यहाँ और ये यहाँ वाला बीच में। तो देखिए पीछे से सिलाई डालेंगे बीच वाले फंदे में और इस आगे वाले को उतार कर हम बीच में ले लेंगे और इसको पीछे से लाकर आगे डाल देंगे, इन्हें हम सीधा बना देंगे। इस तरह से देखिएगा ये दोनों फंदे हमारे सीधे बन गए हैं। अब देखिएगा ये बीच वाला यहाँ जाएगा और ये वाला बीच में आएगा। तो आगे की साइड से इस फंदे में सिलाई डालेंगे, इसको उतार के वापस यहाँ ले लेंगे और इसको यहाँ लाकर इसको ऐसे बना देंगे। इसे आप जेंट स्वेटर में भी डाल सकते हैं, इस डिजाइन को बहुत ही सुंदर लगता है। बीच में आप चार चार फंदे का उल्टे का गैप दे सकती हैं और बाकी ये डिजाइन आप एडजस्ट कर सकती हैं। फिर से देखिए हमारी सेकंड डिब्बी है, बीच वाले फंदे में पीछे से ऐसे सिलाई डालेंगे, इसको निकाल के हम बीच वाले की जगह ले लेंगे और बीच वाले को पहले वाले की जगह ले आएंगे और इन्हें हम सीधा बना देंगे। अब ये बीच वाला यहाँ जाएगा और यहाँ वाला बीच में आएगा। तो इसे हम आगे की साइड से सिलाई डालेंगे, बीच वाले को निकाल के पीछे ले जाएंगे और पीछे वाले को बीच में ले आएंगे और इन्हें हम सीधा बना देंगे। इस तरह से देखिएगा ये दो डिब्बी हमारी यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। ठीक ऐसे ही अब हमने अपनी ये तीसरी करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये एक दो और ये तीन डिब्बियां बन चुकी हैं। अपनी सिलाई को कम्प्लीट करेंगे, ठीक ऐसे ही हम इन तीनों डिब्बियों को भी बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो तीन डिब्बी हैं, अब हम फिर से अपनी इस बीच वाली डिब्बी पर ही डिब्बी बनाएंगे। तो देखिएगा ये डिब्बी हमने पिछली सिलाई पर बंद की थी, तो एक दो तीन और ये चार, इन चारों फंदों को हम सीधा बनाएंगे। एक दो तीन और ये चार, ये देखिए चार इस वाली डिब्बी के हमने बना लिए। जो बीच वाली के चार हैं वो देखिए, दो ये बीच में आपको बंद हुए नजर आ रहे हैं, एक इसका इधर गया है एक इधर गया। इस डिब्बी को हम इस बार फिर से खोलेंगे, ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगेगा ऐसे बनने पर। ये देखिएगा बीच वाले को निकाल के हम आगे की साइड डाल देंगे और इन्हें हम सीधा बना देंगे। अब देखिए ये बीच वाला और ये इधर वाला, पीछे से सिलाई डालकर पीछे वाले फंदे को बीच में ले आएंगे और बीच वाले को बाद में डाल देंगे और इन्हें हम सीधा बना देंगे। इस तरह से ये हमारी डिब्बी यहाँ पर अब एक बनेगी और इस डिब्बी के ये चारों फंदे हम सीधे बना देंगे। इसी तरह से करते हुए अब हम अपनी ये सिलाई कंप्लीट करेंगे, जहाँ सीधे फंदे वे सीधे, उल्टे हैं वो उल्टे, और इन डिब्बियों में से भी हम ऐसे ही बीच वाली पर डिब्बी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये एक डिब्बी हमारी बनी थी, ये तीन, ये पिछली बार हमने खोली थी, इस सिलाई में हम इसे बंद कर देंगे। बंद करने का ठीक वही तरीका है, इस फंदे को हम बीच वाले को पीछे से सिलाई में डालेंगे, आगे वाले को उतार के बीच में ले आएंगे और इस बीच वाले को पीछे डाल के इन्हें हम सीधा बना देंगे। अब ये देखिएगा ये भी सीधा। अब फिर से हमने यही करना है, ये इधर वाला हम बीच में ले आएंगे और बीच वाले को पीछे ले जाएंगे। तो आगे की साइड से इसमें हम सिलाई डाल लेंगे और देखिए इस तरह से इन फंदे को पलट के हम सीधा बना देंगे। ये देखिएगा ये डिजाइन हमारा इस तरह से बनता जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। ठीक ऐसे ही हमने आगे बनाना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा इसका एक पार्ट तैयार हो गया। अगर आप इस तरह से यही वाली डिब्बियां ऐसे बनाएंगे तो इसके बाद हमारी अब यहाँ तीन बनेगी, फिर एक बनेगी, फिर तीन बनेंगी, फिर एक बनेंगी। अगर आप इन डिब्बियों को इस तरह से बनाना चाहती हैं तो स्टार्टिंग से ही आप तीन डिब्बी बना लीजिएगा, उन्हीं तीन डिब्बियों के ऊपर एक बार खुल जाएंगी और एक बार बंद हो जाएंगी, तो ये डिजाइन हमारा ऐसे बनता चला जाएगा। अब इस तरह से इसे रिपीट करते हुए इसकी हमने ये लेंथ पूरी करनी है। ये देखिएगा, इस इनर को मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। ये इनर मैंने टोटल लगभग जो है 12.5 इंच मैंने इसको तैयार किया है। 12.5 में से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे 8.5 इंच बनाया है और बाकी ऊपर जो है मैंने इसके 4 इंच के ये आर्म होल बनाए हैं। तो इसमें मैं लगभग इसे 9 इंच बना करके फिर आपको इसकी ये आर्म होल की कटिंग बता। देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई मैंने बना करके पूरी कर ली है। ये मैंने पूरी 9 इंच बनाई हुई है, ये मैं आपको नाप करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ तक ये पूरी 9 इंच है। लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, जिस एज के बेबी के लिए आप बना रही हैं उसका आप नाप ले सकती हैं। अब हमने इसमें ये आर्म होल की कटिंग करनी है। ये कैसे करनी, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, ये जो हमने इसकी मुड्डे की पट्टी बनाई हुई है, तीन फंदे से बनाई, ये आप तीन से भी बना सकती हैं, चार से भी बना सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। तो ये देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, क्योंकि सीधी साइड से हमारी इसकी ये घटाई शुरू होगी, तो ये पट्टी के फंदे और ये बनाते हुए मैंने, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हम इसकी घटाई करेंगे, चार फंदे की इसमें मैं ये पट्टी बनाऊंगी और इसमें 3 1 की हमारी यहाँ घटाई होगी। तो देखिए, ये जो दो फंदे हमने उल्टे उल्टे लिए हुए हैं, एक फंदा हमारा फ्रंट पार्ट का है और एक इसमें बैक पार्ट का है। तो ये देखिए, एक ये और दो ये, तीन और एक फंदा ये 3 1 की इसमें घटाई होगी। तो जब आपके ये इन उल्टे फंदे से इधर 7 फंदे रह जाएं, यहाँ तक के आपने बना लेने हैं, फिर आप धागा अपनी तरफ कीजिएगा। देखिए, 1 2 3 और ये 4, ये 4 फंदे तो वो हैं जो हमने अब इसका बॉर्डर तैयार करना है इसके मुड्डे का, और एक फंदा हमारा ये है जो हमारा नेक्स्ट लाइन में इसकी घटाई होगी। तो ये 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 ये आपको सीधे नजर आ रहे हैं, एक ये उल्टा, एक ये उल्टा और 2 इधर के, तो 6 फंदे हम यहाँ पर बाइंड ऑफ करेंगे। तो इस तरह से धागा अपनी तरफ ही रहे और हम यहाँ पर देखिए 1 और ये अगले वाले फंदे के साथ लेते हुए, ज्यादा टाइट नहीं करना है आपने, नॉर्मल रखना है, 2 3 4 5 5 फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब हमने एक और करना है, ये देखिएगा, ये हमारे यहाँ पर 6 फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब एक तो हमारा ये जो नेक्स्ट लाइन में होएगा और 4 और, तो देखिए 2 फंदे हमारे सिलाई में हैं, ये 3 4 और ये 5, 5 फंदे इधर से उल्टे हो गए हैं, 5 इधर से उल्टे हो गए हैं, 6 फंदे यहाँ पर हमारे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब ये जो हमारे बीच में बैक पार्ट के फंदे हैं, इन्हें हम अपने सीधे बनाएंगे और यहाँ पर 7 फंदे रहने तक बीच के फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 7 फंदे सीधे रह गए हैं। तो हम क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे और 5 फंदे इसमें से उल्टे बना लेंगे। देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए, 2 फंदे सीधे रह गए हैं, 2 ये बीच के और 2 इधर के, 6 फंदे यहाँ पर धागा अपनी तरफ करके ही इन्हें बाइंड ऑफ कर देंगे। देखिए, इस तरह से आप इन्हें बाइंड ऑफ कर लीजिएगा, 6 फंदे इस तरह से 6 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद, देखिए ये एक फंदा हमारा नेक्स्ट बार इसकी घटाई होगी और 4 फंदे की जो हम इसमें बॉर्डर पट्टी बनाएंगे वो बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। ये देख लीजिएगा, यहाँ हमारे 5 फंदे उल्टे हैं। अब धागा पीछे करेंगे, आगे अपने सीधे फंदे हैं तो सीधे और डिजाइन के हिसाब से हैं तो डिजाइन के हिसाब से और पट्टी के बना लेंगे। नेक्स्ट लाइन में आपको फिर से बताती हूँ, एक बार आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यही वाला वी वाला गला बनाना चाहती हैं तो जो सिलाई हमने यहाँ से स्टार्ट की थी अभी घटाई करने से पहले, यहाँ पर आप इस फंदे को सीधा करके 2 का 1 कीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर इसकी आर्म होल की घटाई कीजिएगा और इसी सिलाई में यहाँ पर आने के बाद भी आगे से सिलाई डाल के इन 2 फंदे का 1 कर दीजिएगा
और हर तीसरी चौथी सिलाई पर आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में आपने तीन चार फंदे तो तीसरी सिलाई पर घटाने हैं, आगे जाकर आप पांचवी सिलाई पर भी घटा सकती हैं अगर आप ये वी वाला गला बनाना चाहती हैं। मैं इसमें चकोर गला बनाऊंगी जो आपको बना करके दिखाऊंगी, क्योंकि वी गले की जो वीडियो है वो मैं पहले भी अपने चैनल पर नीटिंग लेसन पे भी और नीटिंग कोर्स पर भी अपलोड कर चुकी हैं, आप वहां से भी देख सकती हैं, क्योंकि वी गले की जो घटाई होती है वो सेम ही होती है और इनकी पट्टी भी सेम चलती है। तो इस तरह से करते हुए मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई आप यहां से लेकर यहां तक इसकी पूरी उल्टी बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहां तक उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम इधर के पार्ट को छोड़ देंगे, पहले हम इधर का बनाएंगे। तो देखिए, यहां से अब हमने एक फंदे की घटाई करनी है, तो इस धागे को थोड़ा सा टाइट करेंगे ताकि यहां से ये लूज लूज ना दिखे, और इस वाले फंदे के साथ लेकर के दो का एक कर देंगे। आप देखिएगा, ये दो का एक हो गया और ये जो तीन फंदे उल्टे दिख रहे हैं इन्हें उल्टा बना लेंगे, और जो हमारे सीधे हैं उन्हें सीधा बना लेंगे। और जैसे मैंने आपको ये डिजाइन बनाना बताया, डिजाइन को बनाते हुए हमने इसमें चकोर गले की घटाई करनी है। तो चकोर गले में फ्रेंड्स देखिएगा, जैसे इसकी तो हमारी यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे कि इसकी आरंभ होल की घटाई होती है ऐसे इसकी गले की होती है। ये हमारा जितनी हमारी इसकी मुड्डे की ये लेंथ बनती है उसका हाफ बनने के बाद ही हमारे चकोर गले की घटाई होगी। तो इधर वाले पार्ट को मैंने 4 इंच बनाना है, तो 2 इंच इसको बना लेती हूँ, फिर इसकी घटाई बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि ये हमारा 2 इंच बनने के बाद यहाँ से हम इसके चकोर गले की घटाई करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें ये पट्टी बनानी होती है जिससे हमारे गले का ये बॉर्डर बनेगा। ये आप यहाँ से 12 या 13 सिलाइयां बनाने के बाद यहाँ से आप देखिएगा, इधर से हम इस सिलाई को बुनना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी ये सीधी साइड इधर से बन रही है। तो 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, 8 फंदे हमने इनमें से बाइंड ऑफ करने, 14 फंदे हम यहाँ गले के बंद करेंगे, 4 फंदे हमने, जैसे ये पट्टी चल रही है अब हमारे आगे ये गले की चलेगी, तो 8 और 4 12, ये 12 फंदे जब आप इधर से बनाते जाएंगे अपने डिजाइन को इतना बना लीजिएगा, और यहां से आप इन्हें उल्टा बनाना शुरू कर दीजिएगा, और ये 12 फंदे और 6 फंदे, ये 18 फंदे आप इस तरह से उल्टे बना लीजिए। 2 सिलाइयों में एक लाइन बनती है, तो 1 2 3 6 सिलाई है, और 7वीं सिलाई हमारी ये यहां तक बनी हुई है जिसमें हमारी ये आधी लाइन बनी हुई। अब हम इसके ये फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए, ये हमारा पूरा 2 इंच बन चुका है, तो अब इधर से हम इसके फंदे बंद करेंगे। एक बार इसके सीधी साइड से फंदे बंद होने हैं, एक बार इसके उल्टी साइड से बंद होने, मैं दोनों साइड से ही आपको करके दिखाऊंगी। ये हमारे उल्टी साइड से हो रहे, देखिए 2 का 1 किया, और ये आपने टाइट बंद नहीं करना, इस फंदे को आप इतना लूज रखिएगा, फिर अगले वाले फंदे के साथ लेकर के 2 का 1 कर दीजिए, फिर से इस फंदे को आप लूज रखिएगा, अगले वाले फंदे के साथ लेकर के 6 ये और 8 ये, 14 फंदे इसमें से बंद करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर ये 14 फंदे बंद कर लिए हैं। अब ये देखिए, 4 फंदे की जो हमने गले की ये बॉर्डर पट्टी बनानी है, 3 हमारे ये उल्टे नजर आ रहे हैं, 4था हमारा ये सिलाई में है। तो अब हम इस सिलाई को उल्टी बना करके कंप्लीट कर लेंगे, और सीधी साइड से अपने डिजाइन को बनाते हुए 2 इंच ये बन गया है, लगभग 2 इंच और अब हमने यही वाले फंदे बना करके इसकी लेंथ कम्प्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये गला भी बन गया है और इसकी मुड्डे की लेंथ भी पूरी हो गई है। अगर आपको ये गला इससे ज्यादा और बड़ा चाहिए, तो जो मैंने यहाँ पर 12-13 सिलाइयां बनाने के बाद ये लाइन बनानी शुरू की थी, आप 5 या 6 सिलाई बनाने के बाद आप इस गले की ये जो बॉर्डर पट्टी है वो बनानी शुरू कर सकती है। ये आपकी अपनी मर्जी होगी कि आपको गला कितना डीप चाहिए। अब देखिए, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम क्या करेंगे, ये जितने फंदे हैं इन्हें या तो आप एक धागे में बांध कर छोड़ दीजिएगा, या फंदे थोड़े हैं तो बड़े वाली सेफ्टी पिन में आप इन्हें बांध सकती हैं। तो मैं इन्हें सारे फंदे इस तरह से ये बड़े वाली सेफ्टी पिन लूंगी और इसमें उतार के छोड़ दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे ऐसे डाल लेंगे और इन्हें यहाँ पर बंद कर देंगे। इससे हमें जो नेक्स्ट वाले पार्ट बनाएंगे वो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इसका ये वाला पार्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर हम अपनी ऊन को बांध लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें कहाँ पर धागा बांधना चाहिए जिससे कि हमारा यहाँ कोई जोड़ नजर ना आए। देखिए, यहाँ से जो फंदा हमने बाइंड ऑफ करना शुरू किया था, आप इसको ऐसे उठा लीजिएगा और इसमें आप अपने धागे को बांध लीजिए।
ये देखिएगा इस तरह से हम अपने यहाँ पर धागे को बांध चुके हैं। अब हमने देखिए यहाँ भी इधर से एक फंदा घटाया था, अब यहाँ भी हम इस एक फंदे को और घटा लेंगे तो हमारी यहाँ पर तीन एक की घटाई हो जाएगी। ये देखिएगा इस तरह से हम दो का एक करेंगे और बाकी के फंदे हम अपने उल्टे बनाते हुए यहाँ तक इसे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाएगा इसकी सीधी सिलाई पर, हम यहीं से मुड़ जाएंगे, इस वाले पार्ट को हम बाद में बनाएंगे ठीक ऐसे ही जैसे हमने ये इधर का बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पर भी हमने एक फंदे की घटाई करनी है, तो ये वाला और ये वाला ये दोनों फंदे हम एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे। अब ये देखिए तीन फंदे ये उल्टे हैं तो इन तीनों को हम उल्टा बना लेंगे। अब ये चार फंदे की हमारी जो आर्म होल की हम यहाँ पर बॉर्डर पट्टी बना रहे हैं वो चलेगी, बीच के फंदे हमारे सीधे और चार फंदे की इधर से बॉर्डर पट्टी। जब फ्रेंड्स इसकी सात या आठ सिलाइयां बननी बाकी रह जाएंगी तब मैं इसको आगे इसकी गले की जो बॉर्डर पट्टी बनती है ऊपर वाली जो हम यहाँ बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से करते हुए मैं इसकी अब लगभग यहाँ तक की इसकी लेंथ बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को आप ये वाला जो बीच का पार्ट है इसको इस तरह से पकड़ के आप इसे नाप सकते हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पर हमारी पांच छह सिलाइयां बननी बाकी रह गई हैं। अगर हम अपनी लाइनें गिने तो अभी हमारी आठ सिलाइयां बननी बाकी रह गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब आप इस तरह से नापेंगे पांच या छह सिलाई का अंतर दिखे, ये लाइनें हम नहीं गिनेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट की दो सिलाइयां ज्यादा बनती हैं बैक पार्ट से, तभी हमारा ये लेवल बन पाता है। क्योंकि अगर हम सारी सिलाइयां बराबर ही बना देंगे तो देखिये ये पार्ट हमारे जो है ऊपर नीचे हो जाएंगे, हमने यहाँ से लेवल नापना होता है। तो आप इस तरह से नाप लीजिएगा। अब हमने इसका जो है बैक वाले गले का बॉर्डर बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, चार फंदे की देखिए हमारी ये आर्म होल की जो पट्टी चल रही वो है चार फंदे की इधर है। अब फ्रंट वाले पार्ट में देखिएगा चार फंदे की इधर से गले की है, चार फंदे की आर्म होल की, आठ फंदे बीच में डिजाइन के है। तो हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, चार ये आर्म होल के हैं, आठ फंदे हम बीच में सीधे बनाएंगे, बाकी सारे फंदे उल्टे, और यहाँ भी ये जो चार आर्म होल के हैं इनके बीच में आठ सीधे रखेंगे। तो मैं इसे यहाँ से बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिएगा चार फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और आठ फंदे सीधे, ये देख तीन चार पांच छः सात और ये आठ, ये देखिएगा ये आठ फंदे हमने सीधे किए। अब धागा अपनी तरफ करके जो फंदे हमारे बचे हैं इन्हें हम उल्टा बनाएंगे यहाँ पर इस बॉर्डर पट्टी के यहाँ पर आठ फंदे रहने तक। ये देखिएगा यहाँ तक के हमारे फंदे उल्टे हो गए हैं, चार हमने ये सीधे बना लिए हैं और ये पांच छः सात और ये आठ, फिर धागा अपनी तरफ करके ये बॉर्डर पट्टी के जो हमने फंदे लिए हैं ये हमारे उल्टे बनेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारे ये गले की पीछे से इसकी शेप आ जाएगी। अब उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। अब इसमें हमने तीन लाइनें बनानी है, एक लाइन हमारी ये एक सिलाई और कंप्लीट होने पर बन जाएगी, चार सिलाइयां और बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ हमारी ये तीन लाइनें आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सोलह फंदे बना लेंगे और यहाँ के सोलह फंदे छोड़ के बीच के फंदे सीधी साइड से बाइंड ऑफ करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर ये हमने 16 फंदे बना लिए हैं और अब यहाँ से इन्हें बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। और ये आपको हल्के से लूज हाथ से बंद करने होंगे, टाइट हाथ से नहीं, नहीं तो पीछे से गला टाइट हो जाएगा। ये देखिएगा इस तरह से इस फंदे को हल्का लूज रखिएगा, अगले वाले फंदे के साथ लेते हुए दो का एक कर दीजिएगा और आगे 16 फंदे रहने तक ये फंदे बाइंड ऑफ कीजिए। ये देखिएगा फ्रेंड्स अब हमारे ये चार फंदे उल्टे आठ सीधे और चार ये उल्टे, ये 16 फंदे बचे हैं इन्हें हम बना लेते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स ये दोनों पार्ट हमारे बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट की यहाँ सुई से सिलाई कर देंगे। इस पार्ट को मैं सील लेती हूँ, जब ये वाला पार्ट बनाऊंगी तो आपको सुई से सीलना भी बता दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको सील लिया है बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में। इसमें देखिए यहाँ पर हमारा दो सिलाइयों का अंतर है, दो सिलाई फ्रंट पार्ट की ज्यादा है और बैक पार्ट की कम है, इससे इसकी शेप अच्छी आ जाएगी। अब देखिए ये जो हमारे 16 फंदे बचे थे ये मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ दिए ताकि बार बार हमारी सिलाई कहीं उलझे ना। अब ये एक पार्ट बचा हुआ है तो यहाँ पर मैं अपना धागा ज्वाइंट कर लेती हूँ। अब एक फंदा हम यहाँ से घटा देंगे और उसके बाद अपनी सिलाई को बना लेंगे। ये देख लीजिएगा इस तरह से यहाँ दो का एक करेंगे,
जैसे हमने दूसरे वाले पार्ट में किया था और अपनी सिलाई को पूरा बुन लेंगे। अब देखिएगा इस पार्ट को हम जो हमने ये उल्टी लाइन की थी गले की पट्टी बनाने के लिए यहाँ तक का मैं नाप के इसे बना लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, जितनी सिलाइयाँ हमने इसमें बनाने के बाद यहाँ से इस गले की ये बॉर्डर पट्टी स्टार्ट की थी ठीक इतना ही अब इस पार्ट का मैंने बना लिया है। और ये देखिएगा इधर से हमारी ये बटन पट्टी के फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं और 12 फंदे इस बटन पट्टी के साथ वाले हमने ये उल्टे बना लिए हैं, जिनमें से बटन पट्टी के और 8 ये हम बाइंड ऑफ करेंगे और 4 फंदे की जैसे हमने ये पट्टी बनाई हुई है ठीक ऐसे ही ये पट्टी बनाएंगे और आगे के जो फंदे इसमें हम अपनी ये 2 डिब्बियां रह जाएंगी वो हम एडजस्ट करते जाएंगे। इस तरह से बनाते हुए अब मैं इसकी देखिएगा इसमें जो 4 लाइनें बनी हुई हैं वही 4 लाइनें बना लेती हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो हमारे गले की बॉर्डर पट्टी है इसकी हमारी ये दूसरी लाइन बनने जा रही है। यहाँ पर हमारा बटन होल है, लास्ट का बटन होल हम जो ये बॉर्डर की गले के लिए पट्टी बना रहे हैं इसी में बनाएंगे। तो देखिएगा ये 4 फंदे मैंने यहाँ पर बना लिए हैं, 6 फंदे की बटन पट्टी है। इस तरह से सिलाई पर धागा लपेटेंगे और यहाँ पर अगले फंदे हम उल्टे बना लेंगे। तो ये जो हमने धागा लपेटा है इसे हम जब सीधी सिलाई नेक्स्ट पर आएंगे तब हम इसे 2 का 1 करेंगे और उल्टी सिलाई पर इसे हम बना लेंगे तो यहाँ हमारा बटन होल बन जाएगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो हमने इससे पहले वाली सिलाई में लपेट कर जाली बनाई थी उल्टी सिलाई पर जाली से हमने फंदा बना लिया, यहाँ हमारा बटन होल बन जाता है। अब हम इसे देखिए 4 फंदे अपने बनाने के बाद इस वाले फंदे के साथ लेकर इस फंदे को 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए जितने फंदे हमारे थे उतने ही रह गए हैं और एक प्यारा सा छोटा सा बटन होल भी बन गया है। इस तरह से करते हुए अब मैं सिलाई कम्प्लीट करूँगी। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस बार हम ये पूरी 3 लाइन बनाने के बाद सीधी साइड से फंदे बंद करेंगे, लेकिन जब हमने इसमें फंदे बंद किए थे तो 3 लाइन पूरी होने के बाद 4थी सिलाई हमने बनाई थी जिस पर हमारी आधी लाइन बनी थी, क्योंकि इस पर हमने जो फंदे बाइंड ऑफ किए थे वो हमने देखिएगा इस साइड से उल्टी साइड से बंद किए थे और यहाँ से बंद करते हुए आए थे तब हमने अपने आगे के फंदे बनाए थे। लेकिन इस वाले पार्ट में आप देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे जो फंदे बंद होंगे वो सीधी साइड से बंद होंगे, उसमें उल्टी साइड से बंद हुए थे इसमें सीधी साइड से। तो उसमें तो हमने 3 लाइन पूरी करने के बाद ये सीधी साइड की सिलाई पूरी कंप्लीट करके फिर उल्टी सिलाई पर फंदे बंद किए थे, लेकिन इस पार्ट में 3 लाइन पूरी होने के बाद जब 4थी लाइन बनेगी तो उसमें हम ये फंदे यहाँ 4 फंदे रहने तक बंद करेंगे। और ये जो फंदे फ्रेंड्स, ये आप हल्के से लूज बंद कीजिएगा, जो हम 2 का 1 करते हैं वो इतना लूज आपका फंदा होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से इसकी किनारी बहुत टाइट हो जाएगी और बच्चे के गले में चुभेगी। इस तरह से आप इसे लंबा रखिएगा और फिर अगले वाले फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कीजिए। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक के फंदे बाइंड ऑफ कर लीजिए हैं और ये देखिए 3 उल्टे ये हैं और 4था ये है। अब इन्हें हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह से करते हुए अब हम इसकी लंबाई जितनी हमने इस वाले पार्ट में की हुई है इतनी मैं बना करके फिर आपको इसे जो मैंने इसकी सुई से सिलाई की है वो आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट हमारा अब इस लेवल में बनके तैयार हो गया है जितना हमारा बैक का है। जैसे कि हमने इस वाले पार्ट में बैक पार्ट से 2 सिलाई ज्यादा बनाई थी ठीक ऐसे ही इसमें भी हमने इस बैक वाले पार्ट के हिसाब से इसमें हमने 2 सिलाइयां ज्यादा बनाई हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो पिन वाले फंदे हैं इन्हें दूसरी सिलाई में डाल लेंगे और यहाँ से जो ये धागा है इसे इतना काट लेंगे जितना हम इसे सील सकें। ये देखिएगा फ्रेंड्स, सुई से सिलाई करना एक बार फिर से बता देती हूँ, वैसे मैं चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ये सीधा पार्ट है और ये भी हमारा सीधा पार्ट है, इन दोनों को हम इस तरह से मिला लेंगे और ये देखिएगा इस धागे को हमने काट के सुई में डाल लिया है। पहले हम इस तरह से इन दोनों को ऐसे करके जोड़ लेंगे, पीछे वाला जो हमारा फंदा है इसमें से हम ऐसे करके सुई निकाल लेंगे और इसको टाइट सा खींच देंगे। ये खींचने का इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। अब हम इसे यहाँ से सीलना शुरू करेंगे। देखिएगा ये हमारी साइड वाला जो फंदा है इसे हम जैसे सीधा फंदा बनाते हैं ऐसे सुई पर उतार लेंगे और इसी सिलाई वाले फंदे में से जैसे उल्टा फंदा बनाते हैं ऐसे करके इसके अंदर से सुई हम निकाल लेंगे ऐसे और इसको हम थोड़ा सा खींच देंगे। अब देखिए पीछे वाली साइड की जो सिलाई है जैसे हम उल्टा फंदा बनाते हैं ऐसे करके सुई पर फंदा उतार लेंगे और उसी सिलाई वाले फंदे को जैसे सीधा बनाते हैं एक फंदे के अंदर से ऐसे सुई निकाल देंगे।
फिर देखिएगा इधर से जैसे सीधा फंदा बनाते हैं ऐसे करके हम सुई पर फंदा उतार लेंगे और इसी सिलाई वाले फंदे में से जैसे उल्टा फंदा बनाते हैं ऐसे करके फंदे के बीच में से सुई निकाल देंगे और इस धागे को थोड़ा सा खींच देंगे। अब देखिएगा इधर वाले फंदे को पीछे वाली सिलाई में से जैसे उल्टा फंदा बनाते हैं ऐसे करके तो सुई पे उतार लेंगे, जो अगला फंदा है उसके बीच में से ऐसे सुई निकालेंगे जैसे हम सीधा फंदा बनाते हैं, फिर इधर वाले फंदे को जैसे सीधा फंदा बनाते हैं ऐसे करके सुई पर उतार लेंगे और जैसे उल्टा फंदा बनाना होता है ऐसे करके इस फंदे के बीच में से सुई निकाल देंगे। ऐसे करते हुए हम इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब ये धागा जो हमारा है इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर लाके पक्का करके काट देंगे और अब मैं आपको इसमें बटन लगा करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये बेबी इनर बनके तैयार हो गया है। इसमें मैंने वी गला बनाया हुआ है और इसमें मैंने ये चकोर गला बनाया हुआ है। अगर आपको ये वाला गला पसंद आए तो आप ये वाला बना सकती हैं और अगर आपको ये वाला पसंद आए तो आप ये बना सकती हैं। और फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें ये जो धागा बंधा हुआ है इसको हमें कैसे एडजस्ट करना चाहिए ताकि ये यहाँ से खुले ना। देखिए इस तरह से ये जो हमारा डबल धागा होता है इसे आप देखिए इस तरह से अलग अलग कर लीजिएगा और पहले इसको थोड़ा सा ऐसे खींच दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ये दोनों जो हमारे धागे हैं इनमें से एक को आप यहाँ से काट दीजिएगा। अब देखिएगा इन दोनों को एक बार फिर से ऐसे टाइट सा खींच लीजिएगा क्योंकि एक नोट तो हम जब फंदे डालते हैं तब लगाते हैं। उसके बाद देखिए इसको ऐसे टाइट सा खींच के एक नोट लगा दीजिएगा और उसके बाद एक और लगा दीजिएगा। दो नोट लगाने के बाद यहाँ से ये इतना पक्का हो जाएगा कि अब हम इस धागे को बिल्कुल इसके पास से मिलाकर काट देंगे तो भी हमारा ये खुलेगा नहीं। इस तरह से हम अपने इस धागे को एडजस्ट कर देंगे और ये हमारा प्यारा सा बेबी इनर बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इनर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें।